नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के 47वें मैच में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी चेन्नई सुपर किंग्स और फिसड्डी टीम रही इस सीजन राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उनके धाकड़ ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस ने ताबड़तोड़ अंदाज में टीम को शुरुआत दी और पावर प्ले में ही 45 रन बोर्ड पर लगा दिए। इस दौरान दोनों ही बल्लेबाजों ने कई खूबसूरत शॉट्स लगाए, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर यानी कि छठे ओवर के दौरान फाफ डुप्लेसिस और मुस्तफिजुर रहमान बुरी तरीके से टकरा गए और फाफ डुप्लेसिस इस मुकाबले में गंभीर रूप से घायल होते होते बचे। आपको बता दें, इस ओवर की 5वीं गेंद पर फाफ डुप्लेसिस ने ऑफसाइड पर गेंद को टैप कर एक रन चुराने की कोशिश की। पहली नजर में साफ नजर आया कि वो आसानी से एक रन ले लेंगे। फाफ डुप्लेसिस गेंद की ओर देख रहे थे, वहीं गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान गेंद को पकड़ने के लिए फील्डर की ओर नजर गड़ाए बैठे थे और इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं और फाफ डुप्लेसिस सीधे आकर मुस्तफिजुर रहमान से बुरी तरीके से टकरा गए। साफ नजर आ रहा था कि इसमें दोनों में से किसी की गलती नहीं थी। फाफ डुप्लेसिस रन लेने के लिए दौड़ रहे थे, वहीं मुस्तफिजुर रहमान गेंद को पकड़ने के लिए, और इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा और सीधे एक दूसरे से टकरा गए। फाफ डुप्लेसिस इसके बाद काफ़ी दर्द में नजर आए और उनको फिजियो बुलाकर थोड़ी ट्रीटमेंट भी देनी पड़ी। उनके गर्दन में काफ़ी दर्द महसूस उन्हें हो रहा था। हालांकि इस चोट का असर उनकी बल्लेबाजी पर भी पड़ा और इसके बाद ठीक अगले ओवर में फाफ डुप्लेसिस राहुल तेवतिया की गेंद पर स्टंप आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। फाफ डुप्लेसिस ने 19 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का लगाया। चेन्नई सुपर किंग्स को 47 के स्कोर पर पहला झटका लगा था। आपको बता दें, आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स पहली ऐसी टीम बनी थी जिसने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, वहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए अब भी मौके हैं प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि चेन्नई जैसी टीम से पार पाना उनके लिए आसान कतई नहीं रहने वाला। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।